आज हम लोग मूलानुपाती सूत्र पढ़ेंगे। अब देखते हैं मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। मूलानुपाती सूत्र, किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं या आणविक सूत्र कैसे निकालते हैं, आज हम वो समझेंगे। सबसे पहले अगर हम लिखते हैं C2H4, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा? CH2। क्या हो जाएगा? CH2। कैसे होगा? सबसे पहले हम देखेंगे मूलानुपाती सूत्र, ये एक यौगिक है, आपको दिख ही रहा है ये क्या है, ये यौगिक है। अगर इसका बोला जाए कि इसका मूलानुपाती सूत्र लिख के दिखाइए, तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? CH2। इसका डिफिनीशन है, जैसे अगर हम इसको ये लिख दिए, फिर अगर लिख दिए ये हो गया ठीक, Hg2Cl2 ठीक। और इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा? HgCl। क्या हो जाएगा? HgCl। तो ये इसका, ये जो आया है, ये इसका मूलानुपाती सूत्र आया है, मूलानुपाती सूत्र। और ये इसका क्या है? ये मूलानुपाती सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र। इसका, इसको देख के मुझे क्या समझ में आया, हम इसका परिभाषा किस तरह लिख सकते हैं मूलानुपाती सूत्र का? यहाँ C2 था, यहाँ आके अकेला हो गया, यहाँ 4 था, यहाँ 2 हो गया, मतलब इसका क्या हो गया? सरल अनुपात में हो गया। क्या हो गया इसका? जो इसके जो यौगिक में जो तत्व है उसके परमाणुओं की संख्या मूलानुपाती सूत्र में जाके एक सरल पूर्णांक में हो जाती है, मतलब एक कहे तो आप सरलतम पूर्णांक या सरलतम पूरे अंक में हो जाता है। जैसे C2H4 को अगर हम उसको मूलानुपाती सूत्र में लिखें, तो CH2 इसका डिफिनीशन क्या हो जाता है? किसी भी यौगिक में उसके अणुओं, उसके प्रत्येक अणुओं में उपस्थित तत्वों के परमाणु व परमाणु संख्याओं का सरलतम पूर्ण अनुपात, सरलतम पूर्ण अंक प्रदर्शित करता है ठीक। ये हो गया आपका डिफिनीशन किसका? मूलानुपाती सूत्र का। सबसे पहले आप ये समझिए, फिर इसका डिफिनीशन देखिए क्या बोलता है। जैसे हम यहाँ पे लिखे C2H4, इसका सरल, जैसे C में कितने हैं? 2 परमाणु हैं। H में कितने परमाणु हैं? 4 परमाणु हैं। इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। 2 से हम इसको अगर कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1:2, मतलब एक इसका सरल अनुपात क्या हो गया? 1:2 हो गया, या 1 और 2 हो गया। इसलिए हमेशा पूरी संख्या में होता है, अब पूरी संख्या जैसे दशमलव में ये इसका मान कभी नहीं आता है। अगर ये पॉइंट में है तो हम इसको 1, 2 करके सीमित करके ही लिखेंगे। तो ये क्या होता है कि ये एक सरल अनुपात में हो गया ठीक। जैसे C में दो परमाणु हैं और H में 4 परमाणु हैं, इसका सरलतम अनुपात, सरलतम पूरी संख्या क्या हो गया? 1 और 2। क्या हो गया? 1 और 2। तो C अकेला हो गया, CH2। तो ये इसका क्या हो गया, मतलब यहाँ से 2 का हम भाग दे दिए, जो एक सरल अनुपात, सरलतम संख्या में हो गया। तो ये हो गया C2H, जैसे यहाँ से 2 निकल जाएगा तो यहाँ से 2 का भाग दे देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? जैसे अगर हम कहें कि 4/8 को आप सरलतम रूप में लिखिए, तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा,
ठीक उसी तरह 2/4 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, सरलतम पूरे अनुपात सरल संख्या हो गया। तो जैसे C2H4 को अगर हम उसको सरल कर देंगे तो CH2 आ गया। उसी तरह HG2Cl2 इसमें 2-2 का डिवाइड कर देंगे तो 1HG और 1Cl आ जाएगा। तो HGCl क्या है, इसका मूलानुपाती सूत्र है, ये दोनों का ये मूलानुपाती सूत्र है। इसका मतलब देखिए, किसी यौगिक में उसके प्रत्येक अणुओं में, ये यौगिक है, ये यौगिक है, किसी भी यौगिक, ये प्रत्येक उसका अणु है, ये अणु है, दो अणुओं से मिलकर बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो प्रत्येक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु, इस तत्व में कितने परमाणु है, जो कार्बन तत्व है इसमें कितने परमाणु है, संख्याओं का सरलतम पूरे अंक प्रदर्शित करता है। सरलतम पूरे अंक प्रदर्शित करता है मतलब ये तो इसका वास्तविक अंक है, 2 और 4 जो उसका वास्तविक अंक है, जब हम उसको सरलतम रूप में लिख देंगे तो 2 और 4 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो ये हो गया CH2, ये उसका सरलतम अंक, इसको बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। जैसे बहुत सारे हैं CH3 COOH, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, CH3 COOH का मूलानुपाती। इसमें कितने, सबसे पहले हम देख लेंगे इसमें कार्बन कितना है, 2 कार्बन है, तो हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं C2H4 और O2, इस तरह भी तो लिख सकते हैं। 2 कार्बन है तो C2 हो गया, और H कार्बन 4 है तो H4 हो गया, O2 है तो 2 हो गया। ठीक, अब इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, सी 2 से डिवाइड, सरल कर देंगे इसको, हम क्या कर देंगे, 2, 4 और 2 को जब सरल करेंगे तो 1, 2, 1 आ गया। तो ये 1, 2, 1 आ गया, मतलब C में 1 परमाणु है तो C, और H में 2 परमाणु तो 2, और ऑक्सीजन में 1 परमाणु तो 1, CH2 हो। ये CH3 एसिटिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया, CH2 हो। इस तरह से आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। देखिए, किसी भी यौगिक में उसके प्रत्येक अणु, अब हम देख लें, जैसे ये यौगिक है, उसका जो प्रत्येक अणु है, ठीक, किसी भी यौगिक के प्रत्येक अणु मतलब जैसे CH, ये जो प्रत्येक अणु है उसके प्रत्येक तत्व में, जैसे कार्बन जो तत्व है उसमें कितने परमाणु है, उस परमाणु का सरलतम अंक प्रदर्शित करता है, ये होता है मूलानुपाती सूत्र। जैसे कुछ क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन है आयरन का, आयरन में कितने, आयरन जो यौगिक है उस यौगिक में आयरन कितना परसेंट है, 20.15%, सल्फर कितना है, 11.51%, ऑक्सीजन कितना है, 23.02%, और जल कितना है, H2O 45.32%। इसका बोल रहा है कि मूलानुपाती सूत्र बताइए, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक, मुझे तत्व दे दिया है और तत्वों का जो प्रतिशत अनुपात प्रतिशत है वो दे दिया है, अब मुझे क्या निकालना है, मूलानुपाती सूत्र। ठीक, हम निकाल लेंगे इसका मूलानुपाती सूत्र। सबसे पहले हम लिखेंगे तत्व, तो कुछ कालम में बना के कर देते हैं, तत्व प्रतिशत मात्रा, परमाणु द्रव्यमान, आपेक्षिक मोलों की संख्या, सरलतम अनुपात, सरलतम पूर्ण संख्या। ठीक, सबसे पहले हम तत्व देखेंगे, ठीक, कौन कौन सा तत्व है, आयरन है या फिर सल्फर, ऑक्सीजन, H2O। ठीक, ये तत्व है, प्रतिशत मात्रा दिया है 20.15%, 1.5%, और ये है आपका 11.51%, 23.02%,
और ये है H2O 45.32%। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब आपको इसको क्या करना है, इसका मूलानुपाती सूत्र लिख के दिखाना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अब परमाणु द्रव्यमान लिख लेंगे। ठीक, या फिर ये प्रतिशत मात्रा मिल गया है मुझे। परमाणु द्रव्यमान आयरन का होता है परमाणु द्रव्यमान 56, सल्फर का 16^32, ऑक्सीजन का 16 और जल का कितना होता है 18। ठीक, ये इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया। अब सबसे पहले तो ये परमाणु द्रव्यमान हमेशा ग्राम में रहता है। अब ये जो प्रतिशत मात्रा है हम इसको भी किस में चेंज कर लेंगे, ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो इसमें किस तरह, मान लीजिए यौगिक कितने परसेंट है, अब हम उसको ग्राम में चेंज कैसे करेंगे। मान लेते हैं यौगिक 100% है। ठीक, 100% में 20% क्या है, आयरन है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि यौगिक कितना है, 100 ग्राम है। कितना है, 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम में आयरन कितना है, इसको हम ग्राम में चेंज कर लेंगे तो आयरन हो जाएगा आपका 20.15 ग्राम, और ये हो जाएगा 11.51 ग्राम, और ये हो जाएगा 23.02 ग्राम, और ये हो जाएगा 45.32 ग्राम। कुछ नहीं करना है, इसको जो है वही लिख देंगे, बस आगे ग्राम में करके लिख देंगे और हो गया। और फिर क्या करेंगे, इतना तो ग्राम में लिख लिए हम, फिर जो अपेक्षित मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, अपेक्षित मोलों की संख्या प्रतिशत द्रव्यमान। प्रतिशत द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान, अरे सॉरी, प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु द्रव्यमान। ठीक, अब हम इसको अपेक्षित मोलों की संख्या प्रतिशत मात्रा में डिवाइड कर देंगे किसका, परमाणु द्रव्यमान का। तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, अपेक्षित मोलों की संख्या प्रतिशत द्रव्यमान कितना है, इतना डिवाइड बाय 56 ग्राम। अब अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए यहीं पे। ठीक, डिवाइड करेंगे क्या आएगा, कर लेते हैं डिवाइड ही कर लेते हैं। चार बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4×6=24, 4×5=20, 2×2=22 ज़्यादा हो गया। ये तो 201 ही है, वहाँ तो 24 हो गया। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि दो संख्या में डिवाइड जा नहीं रहा है तो पॉइंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तीन अंक हम ले लेंगे। जब तीन संख्या ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तीन बार चला जाएगा। तो 3×6=18, 3×5=15, 1×16 11×8 निकालेंगे 3, और ये हो गया आपका 9×6 निकालेंगे 3, और ये 0 आगे क्या उतार देंगे 5। अब कितने बार जाएगा, 5×6=30, 6×6=36, 5×6=30, 3×3=33। अब हम कर लेते हैं 5 बार, 5×6=30, 5×5=25, 3×28, ये हो गया 10×5 निकालेंगे 5, और ये 13×8 निकालेंगे 5, और ये 0, और यहाँ 0 आ जाएगा तो कितनी बार जाएगा, क्या आएगा, 0.359। जब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से अगला क्या है, सल्फर का प्रतिशत मात्रा कितना है, 11.51 का, तो 32 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 32, 0.359। फिर क्या करेंगे, इसमें इसका डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.02 डिवाइड बाय 16, तो ये आ जाएगा आपका 1.88। फिर डिवाइड करेंगे 32 डिवाइड बाय 18, चलिए देख लेते हैं। ये इसमें क्या करेंगे, अपेक्षित मूलों की संख्या कैसे निकालते हैं, प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु द्रव्यमान। तो प्रतिशत मात्रा आयरन का कितना, आयरन कितना प्रतिशत है, 20.15%। ठीक, 20.15% बटे क्या, परमाणु द्रव्यमान कितना है, 56 ग्राम। तो जब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। और जब
फिर अगली संख्या क्या है? सल्फर। सल्फर का जब परमाणु द्रव्यमान से सल्फर प्रतिशत जो मात्रा है उसका परमाणु द्रव्यमान से जो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? इतना बाई इतना, तो ये मिल गया। ठीक, और फिर इसमें जब इसका डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा, और इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ये मिलेगा। ये तो आ गया अपेक्षिक मूलों की संख्या। आप सरलतम पूरी संख्या कैसे निकालते हैं? सरलतम पूरी संख्या, ये जो चारों मिला है मुझे, जो चार मूलों की संख्या मिला है, इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी उसका सभी संख्याओं में डिवाइड कर देंगे, तो इसमें से सबसे छोटी संख्या मुझे ये मिल रही है। ठीक, तो इसमें डिवाइड कर देंगे, सबसे छोटी संख्या का सभी संख्याओं से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 359। इसका आ गया 0.359, तो ये आ गया 1। फिर 1.44 डिवाइड बाय 0.359, तो इसका क्या मिलेगा आपको? 4 3 12 4 4 16, तो इसका मिल जाएगा आपको 4। और ये है, इसका भी डिवाइड कर देंगे, 2.518 डिवाइड बाय 0.359, तो ये मिलेगा आपको 3 7 21 3 8 24 7। ठीक, अब देखते हैं आगे। ये सरलतम पूरी संख्या मिल गया, अब आगे हम क्या करेंगे? जितना जितना संख्या मिला है सरलतम पूरी संख्या, उस सब का हम क्या करेंगे? मान रख देंगे। अब मान किस पर रखेंगे? जैसे आयरन, आयरन का कितना आया है? 1, तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा? मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा? आयरन 1 है तो 1 रहेगा, सल्फर भी 1 है तो 1 रहेगा, ऑक्सीजन कितना है? 4, तो 4 होगा, और जल कितना है? 7H2O, 7H2O, ये हो गया आपका मूलानुपाती सूत्र। ठीक, समझ में आया? अब चल एक बार फिर से देख लेते हैं, ये तत्व प्रतिशत मात्रा इस तरह कालम बना के आप हल करेंगे, थोड़ा ज़्यादा आसान लगेगा। तो ये हो गया तत्व, सबसे पहले कौन सा तत्व है? आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये तत्व चारों तत्व हैं। ठीक, उसमें मात्रा मुझे प्राप्त मिली, मात्रा दे दिया है, कितना कितना मात्रा है। तो आयरन कितने प्रतिशत है? 20.15%, सल्फर 11.51%, ऑक्सीजन 23.02%, और जल कितना है? 45.32%। हम क्या करेंगे इसका? सबसे पहले प्रतिशत मात्रा लिख लिए, अब परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। परमाणु द्रव्यमान बुक में दिया रहता है, नहीं तो कुछ कॉमन चीज़ों का आप याद कर लीजिएगा, जैसे आयरन का होता है 56, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, और जल तो निकाले हैं, जल का 1H का 1 आता है, तो 2H का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया 18 ग्राम। अब आगे देखते हैं, अब जो आगे है अपेक्षिक मोलों की संख्या। अपेक्षिक मोलों की मतलब, आप अपेक्षिक मोलों की संख्या नहीं समझ में आता है तो आप क्या करिएगा, जो प्रतिशत मात्रा है और जो परमाणु द्रव्यमान है उसमें उसका डिवाइड कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत है, यहाँ पे ग्राम है, तो प्रतिशत को तो ग्राम से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये जो प्रतिशत है इसको हम ग्राम में एक्सचेंज कर देंगे, तो जब ग्राम में एक्सचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20.15 ग्राम, जितना है उतना रहेगा, बस उसके आगे ग्राम लग जाएगा। तो जब ग्राम लग गया तो हम ग्राम से ग्राम को डिवाइड कर देंगे, तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। और ये क्या है? ये 56 क्या है? इसका परमाणु द्रव्यमान है, तो परमाणु द्रव्यमान से जितना प्रतिशत मात्रा है और जो परमाणु द्रव्यमान है उसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो जब डिवाइड करेंगे, जैसे आयरन का प्रतिशत मात्रा क्या है? 20.15 ग्राम डिवाइड बाय 56, और सल्फर का क्या है? सल्फर का है प्रतिशत मात्रा 11.51 डिवाइड बाय परमाणु द्रव्यमान 32 है, तो डिवाइड बाय 32। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया। उसी तरह ऑक्सीजन का करेंगे, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा है 23.02 ग्राम डिवाइड बाय 16 ग्राम, तो जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। उसी तरह जल का प्रतिशत मात्रा है 45.32 ग्राम डिवाइड बाय 18, तो ये मिल गया। ठीक, ये तो मुझे अपेक्षिक मोलों की संख्या मिल गई। अब अपेक्षिक मोलों की संख्या में जो सबसे छोटी संख्या है, इस चारों में जो सबसे छोटी संख्या है उसको हम इन चारों से डिवाइड कर देंगे। ठीक, जो सबसे छोटी संख्या है इन्हीं संख्याओं में सबसे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये सबसे छोटी संख्या चारों में क्या है? 0.359 है, तो 0.359 डिवाइड बाय 0.359 इक्वल 1 आए, 0.359, इसमें भी हम इसी का डिवाइड कर देंगे तो 1 आ गया। अब अगली संख्या क्या है? 1.44 डिवाइड बाय 0.359 इक्वल क्या आ गया? 4 आ गया। और
मतलब आगे पॉइंट में भी ये जाएगा, लेकिन मुझे पॉइंट तक ज्यादा ले जाने की जरूरत नहीं है। जब पॉइंट के बाद बहुत आगे तक संख्या निकल जाती है, जैसे आप डिवाइड करके देख लीजिए, 1.44 डिवाइड बाय 0.359। ठीक, मुझे इसका डिवाइड करना है तो आप डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले तो पॉइंट इस तरह लिख लीजिए, ठीक हम लिख लिए। अब ये पॉइंट है तो हम इस पॉइंट को कहाँ कर देंगे, यहाँ पॉइंट है, ठीक, और इसमें क्या है, यहाँ पॉइंट है। सबसे पहले तो हम इसको पॉइंट को एक्सचेंज कर देंगे, तो पॉइंट को एक्सचेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया। ठीक, जब ये आ गया तो हम इसको दो जीरो से, तो दो जीरो कट कर देंगे, बचा क्या, 1440 डिवाइड बाई 359। अब इसका हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे अगर हम 359 में अगर मैं 3 का गुणा करती हूँ तो क्या आ जाएगा, 3 9 3 27, 2 बज गया, 3 5 15, 2 17 और 3 3 9 1 10। ये तो इससे बहुत छोटा आया है, ये है 1440, यहाँ 177 आया है। तो अब हम यहीं पे क्या कर लेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 5 का कर लेते हैं, 5 9 45 की 5, 4 बज गया, 5 5 25 4 29, 2 बज गया, 5 3 15 2 17। अब देखिए ये 1795 आ गया, यहाँ क्या है, 1440 ही है। तो ये 3 पर कर रहे हैं तो कम आ रहा है, 5 पर कर रहे हैं तो ज़्यादा आ रहा है, तो साफ सी बात है कि 4 तक जाएगा ये। हम यहाँ क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, तो 4 9 36 की 6, ठीक, हाँ सी बज गया 3, 4 5 20 3 23 बज गया 2, 4 3 12 2 14, ये बचा आप क्या, 10 में 6 निकालेंगे 4, ये 0 0 0, मतलब ये 4 आया है। अगर मैं पॉइंट लगा कि इसको आगे करूँ तो इसमें बहुत सारे और हम मुझे 0 लगाएंगे, तो मतलब ये क्या है, बहुत कम आ रहा है, मतलब मेन 4 ही तक आ रहा है। तो हम इसलिए इसको कहाँ लिख दिए, डिवाइड करके 4 लिख दिए। उसी तरह जब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। जब मुझे सरलतम पूरी संख्या प्राप्त हो गई तो हम उसका मूलानुपाती सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। आयरन का सरलतम पूरी संख्या 1 मिला है, तो यह आयरन अकेला रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा। सल्फर का 1 है तो सल्फर भी 1 है। ऑक्सीजन का 4 है तो O4 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, O4, क्योंकि कितने ऑक्सीजन मुझे प्राप्त हुई है, 4 ऑक्सीजन, प्लस जल कितना मिला है, 7, तो 7H2O। ये हो गया आपका मूलानुपाती सूत्र। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे तत्व प्रतिशत मात्रा परमाणु द्रव्यमान अपेक्षित मोलों की संख्या इसे यन से भी दर्शाया जाता है, अपेक्षित मोलों की संख्या को सरलतम पूरी अंक। ठीक, ये हो गया, हमने कॉलम बना लिया। अब बोला है कौन कौन से तत्व हैं, आयरन और ऑक्सीजन, प्रतिशत मात्रा कितना है, आयरन का प्रतिशत मात्रा कितना है, आयरन है 69.9%, ऑक्सीजन है 30.1%। परमाणु द्रव्यमान, आयरन का परमाणु द्रव्यमान होता है, अभी हम लोग ऊपर पढ़ लिए हैं, 56, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। अपेक्षिक मोलों की संख्या हम क्या करेंगे, अपेक्षिक मोलों की संख्या जैसे उसमें निकाले थे, प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु द्रव्यमान, प्रतिशत मात्रा कितना है, 69.9 डिवाइड बाई 56, और ये हो जाएगा 30.1 डिवाइड बाई 16। अब आगे हम इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 69 में 9 का, तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ क्या आएगा, 69.9 डिवाइड बाई 56, सबसे पहले तो 1 पे जाएगा, 9 में 3 आ गया और 1 9 आ गया, ठीक, कितनी बार जाएगा, 5 5 4 20, तो ज़्यादा हो जाएगा, 20 56 में 4 का गुणा करिए, 56 4 6 24, 4 5 20 2 से तो बहुत ज़्यादा हो गया इसका, ठीक। तो आगे हम क्या करेंगे, 3 बार जाएंगे, 3 भी ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएंगे, ठीक,
दो बार जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दो छक्का 12, पाँच दूना 10 से 11, 9 में 2 निकालेंगे 7, दो और ये आ गया 2, ये 0, यहाँ 0 आ गया, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 4 6 24, 5 4 20, 2 22, 10 में 4 निकालेंगे 6, 6 में 2 4, ठीक कितना आया, 1.24 लिख लीजिए, 1.24, ठीक। यह आ गया आपका अपेक्षित मूलों की संख्या। आप सरलतम पूरी संख्या कैसे, अंक कैसे निकालते हैं, सरलतम पूरे अंक जैसे अभी बताए थे हम, इन दोनों में जो सबसे छोटी संख्या होगी, जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे छोटा इसमें दिख ही रहा है 1.24 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.24 डिवाइड बाई 1.24, तो इसका क्या आ गया, 1 आ गया। और इसी तरह इसको कर देंगे 1.88 डिवाइड बाई 1.24, डिवाइड ही कर लीजिए 1.88 डिवाइड बाई 1.24, 2 6 12, सबसे पहले तो आप ये कर लीजिए, पॉइंट को हटा दीजिए, तो ये तो 0 हो जाएगा दोनों, तो ये हो गया 1.88 अपान 1.24। जब हम इसको सरल करेंगे तो 2 6 12, 2 2 4, 2 9 18, 2 4 8, 2 3 6, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, क्या आ गया 47 डिवाइड बाई 31 आ गया। ये हो गया आपका 6, ये हो गया 1, पॉइंट लगा देंगे 0 आ जाएगा। 5 बार कर दीजिए, 5 1 5, 5 3 15, 10 में 5 निकालेंगे 5, और ये क्या हो गया 0 0, मतलब ये देखिए बहुत छोटी संख्या 5 आ गई, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1.5 आएगा, ठीक। ये हो गया सरलतम पूर्ण अंक, क्या मिल गया, सरलतम पूर्ण अंक। फिर ये सरलतम पूर्ण, जो सरलतम पूर्ण अंक है, सरलतम पूर्ण अंक में होना चाहिए, दशमलव में तो अपूर्ण संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए मेरा 1.5 अपूर्ण संख्या आ गया, तो हम उसको पूरे करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी छोटी संख्या का गुणा करके हम उसको पूरे बना देंगे। तो जैसे अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये हो गया आप 2, और 2 का गुणा किसी एक में नहीं होगा, दोनों में होगा। ये नहीं कि मतलब जो अपूर्ण है बस उसी में करेंगे, नहीं, जो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं वो दोनों में करें, ताकि फिर अगर हम उसको प्राप्त करना है तो 2 से डिवाइड करके मुझे मिल सके वो। तो ये हो गया 15 2 9 30, यहाँ पॉइंट लग गया, तो ये हो गया आपका 2 और 3, क्या मिल गया, सरलतम पूर्ण अंक मुझे मिल गया 2 और 3। तो क्या हो जाएगा इसका मूलानुपाती सूत्र, समूलानुपाती सूत्र हो जाएगा एफ ई, कितना आया है एफ ई 2, तो एफ ई 2 और ऑक्सीजन 3, तो ये हो गया 3, एफ ई 2 ओ 3, ये हो गया इसका मूलानुपाती सूत्र, ठीक। कुछ करना नहीं है, जैसे जिस तरह आप पहला नंबर किए उसी तरह सेकंड ये भी होगा, सेकंड नंबर भी सेम ऐसे ही है, बस आपको थोड़ा गुणा भाग अच्छे से आना चाहिए, बाकी आंसर सब आ जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग, ये तो हो गया मूलानुपाती सूत्र, अब आगे चलते हैं आणविक सूत्र, ठीक। अगला टॉपिक क्या है, मूलानुपाती सूत्र तो अच्छे से समझ आ गया होगा, अब चलते हैं आणविक सूत्र देखते हैं, आणविक सूत्र क्या होता है। जैसे मैं सबसे पहले क्या बताई थी, C2H4 जो है ये आणविक सूत्र है, क्या है ये आणविक सूत्र है। जब हम इसका मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे तो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, किसी भी यौगिक का सरलतम रूप होता है, तो सरलतम रूप इसका क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH2। तो ये जो मिला है मुझे ये क्या होता है, ये आणविक सूत्र होता है। मूलानुपाती सूत्र आप समझ गए होंगे, किसी भी संख्या का जो किसी भी यौगिक का जो उसमें परमाणु होते हैं उसका जो सरलतम पूर्ण अंक प्रदर्शित करता है तो मूलानुपाती सूत्र होता है। अब आणविक सूत्र में क्या होता है, वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, ये सरलतम पूर्ण संख्या नहीं प्रदर्शित करता है, वास्तविक संख्या मतलब जितना है, कार्बन में कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन में कितने परमाणु हैं, वो वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, ये होता है आणविक सूत्र। जैसे जैसे HG2,
Cl2, ये भी मैं बताई थी। ये क्या है, ये दोनों आणविक सूत्र है, ये दोनों क्या है, आणविक सूत्र है। जब हम उसका मूलानुपाती सूत्र लिख देंगे, आणविक सूत्र से मूलानुपाती सूत्र में चेंज करना रहेगा, तो इसको सिंपल सा आप 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये इसका मूलानुपाती सूत्र आ जाएगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, HgCl। ठीक, ये इसका आणविक सूत्र हो गया। आप हम कुछ एग्जाम्पलों से समझते हैं आणविक सूत्र कैसे निकालते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, जो मरकरी है इतने परसेंट, क्लोरीन इतना परसेंट, आणविक द्रव्यमान दे दिया है इतना होता है, और आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। आणविक सूत्र मुझे ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात किए थे सेम उसी तरह हम आणविक सूत्र को भी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं तत्व, और आगे क्या था, प्रतिशत मात्रा, फिर था परमाणु द्रव्यमान, आपेक्षिक मोलों की संख्या, सरलतम सरलतम पूरी संख्या। ठीक, अब हम कौन कौन सा तत्व है, मरकरी, सीएल कितना प्रतिशत है, 84.9%, 15.1%। ठीक, सबसे पहले तो हम इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 84.9 ग्राम, यहाँ पे प्रतिशत में था तो हम चेंज कर लिए ग्राम में, ये हो गया 15.1 ग्राम। ठीक, परमाणु द्रव्यमान मरकरी का कितना होता है, मरकरी का होता है 100-200 होता है। ठीक, और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। अब आगे हमें क्या निकालना है, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, आपेक्षिक मोलों की संख्या, प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु द्रव्यमान, प्रतिशत मात्रा डिवाइड बाय परमाणु द्रव्यमान, तो क्या मिल जाएगा, 0.4, डिवाइड कर लीजिए 2 चौको 8, 0.4, और इसमें भी क्या हो जाएगा, 15 डिवाइड बाय 35.5। डिवाइड करके देख लेते हैं, तो जब हम इसको कट कर देंगे, पॉइंट को हटा देंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिल गया। ठीक, हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 151 डिवाइड बाई 355। ठीक, कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, सबसे पहले तो ये बड़ा है, ये छोटा है, डिवाइड ही नहीं जाएगा, तो हम पॉइंट लगा के यहाँ 0 कर देंगे। जब हम यहाँ 0 कर देंगे तो 3 × 5 = 15, 5 × 25 = 15, 5 × 15 = 17 ज़्यादा हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 7 × 12 = 14, 4 बार कर देंगे। ठीक, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 22, 4 × 3 = 12, 14, 0, 11 में 2 निकालेंगे 9, और ये हो गया 0, 0, मतलब कितना निकला, 0.4, कितना निकल गया, 0.4। सरलतम पूरी संख्या क्या मिल गई मुझे, मोलों की संख्या 0.4, दोनों में मिल गया। अब जो दोनों में जो सबसे छोटी संख्या है, तो दोनों में सबसे छोटी क्या, दोनों समान ही है, तो दोनों छोटी कह लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 0.4 डिवाइड बाई 0.4, तो इसका 1 आ जाएगा, 0.4 डिवाइड बाई 0.4, तो क्या आ जाएगा, 1 आ गया। तो इसका सबसे पहले क्या निकलेगा, मूलानुपाती सूत्र निकलेगा। तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया, HgCl, HgCl, क्योंकि 1 1 है, Hg भी 1 मिला है, Cl भी 1 मिला है, ये इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया। और आणविक सूत्र ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, n बराबर मुझे ज्ञात करना पड़ता है,
एन बराबर क्या होता है? आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान डिवाइड बाय मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। ठीक, ये यन सबसे पहले तो हम देख लेते हैं आणविक सूत्र द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। आणविक सूत्र द्रव्यमान को यन गुणे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान करके निकालते हैं। तो यन गुणे जब मूलानुपाती सूत्र कर देंगे तो यन बराबर क्या हो जाएगा? आणविक सूत्र आणविक द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो सबसे पहले आणविक द्रव्यमान तो मुझे प्राप्त है, आणविक द्रव्यमान जो कितना मिला है 471 क्वेश्चन में दे दिया है। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, अब जो मूलानुपाती सूत्र मिला है उसका हम परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। तो मरकरी का कितना होता है 200 प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5, तो क्या हो गया 235.5। तो हम इसमें क्या करेंगे 235.5 का डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका, दुन्ना पर चला जाएगा, दो बार में कट गया, तो क्या हो गया यन बराबर क्या मिल गया 2। तो जब मुझे यन बराबर 2 प्राप्त हो गया तो जो मूलानुपाती सूत्र आया है उसमें हम 2 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा आणविक सूत्र मिल जाएगा। तो आणविक सूत्र क्या हो जाएगा HgCl इक्वल 2 इंटू HgCl, तो क्या हो जाएगा 2 Hg2Cl2। ये हो गया इसका आणविक सूत्र। आणविक सूत्र, ठीक, ये हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं Hg इतना आ गया ये। ठीक, ये क्वेश्चन है, आणविक द्रव्यमान इतना मिला है, आणविक सूत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे। जैसे मूलानुपाती सूत्र निकाले थे सेम उसी तरह हम यहाँ पे भी मूलानुपाती सूत्र निकाल लेंगे। तत्व मात्रा जैसे डिवाइड परमाणु द्रव्यमान को क्या करते हैं, मोलों की संख्या प्राप्त करने के लिए जो प्रतिशत मात्रा है उसमें परमाणु द्रव्यमान से डिवाइड कर देते हैं। और दोनों में मतलब कई जितने भी तत्व हैं उनका जब मोलों की संख्या जो प्राप्त होती है उसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है सभी में डिवाइड कर देते हैं तो सरलतम पूरी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये मिल गया 1:1। तो क्या मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया HgCl, तो इसका HgCl ये हो गया मूलानुपाती सूत्र। अब सबसे पहले हम आणविक सूत्र निकालेंगे। तो आणविक सूत्र निकालने के लिए यन बराबर यन ज्ञात होना चाहिए। तो यन बराबर होता है आणविक द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र। द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान मतलब जैसे कौन कौन से तत्व हैं, कौन Hg है, ठीक, मरकरी है प्लस Cl। तो हम ये मूलानुपाती सूत्र का पहले निकालेंगे। तो 200 प्लस 35 और आणविक द्रव्यमान मुझे दे दिया है, आणविक सूत्र द्रव्यमान कितना दिया है 471 बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो मूलानुपाती सूत्र क्या मिला है Hg प्लस Cl, तो हम इसका द्रव्यमान निकाल देंगे। Hg का परमाणु द्रव्यमान 200 और क्लोरीन का 35.5, तो दोनों को जोड़ देंगे तो इसका ये क्या निकल गया मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। ये जो मिला मुझे क्या मिल गया मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान मिल गया। अब हम क्या करेंगे आणविक आणविक द्रव्यमान में मूलानुपाती सूत्र का डिवाइड कर देंगे। तो क्या मिल गया मुझे 2। जब 2 मिल गया तो क्या हो जाएगा 2 का हम क्या करेंगे मूलानुपाती सूत्र में गुणा कर देंगे। ठीक, यहाँ पे सूत्र होता है आणविक आणविक सूत्र बराबर होता है, आणविक सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र गुणे यन। ठीक, आणविक सूत्र बराबर क्या होता है मूलानुपाती सूत्र गुणे यन। तो मूलानुपाती सूत्र क्या आया है HgCl। ठीक, आप इस तरह भी लिख सकते हैं HgCl, ये हो गया मूलानुपाती सूत्र गुणे यन। यन का मान क्या मिला है मुझे 2, तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो गया 2 इंटू HgCl। तो Hg2Cl2 इसका क्या निकल गया आणविक सूत्र मिल गया। ठीक, चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है HgH, हाइड्रोजन इतना है, कार्बन इतना है, क्लोरीन इतना है, मोलर द्रव्यमान इतना है, इसका मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र ज्ञात करना है। यह 4.07% है। ठीक, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये मुझे प्राप्त हो गया, अब हम कॉलम बनाएंगे तत्व प्रतिशत मात्रा
प्रतिशत मात्रा, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, आपेक्षिक मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और आ जाएगा सरलतम पूर्ण अनुपात, सरलतम पूर्ण संख्या। ठीक, ये मिल गया। तो कौन कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। ठीक, कितना कितना मात्रा में है? 4.07%, 24.27%, और ये है आपका 71.65%। ठीक, अब परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, क्लोरीन का 35 होता है। ठीक, मोलों की संख्या, अब हम क्या करेंगे? मोलों की संख्या जैसे निकालते थे पहले वैसे निकाल लेंगे। ठीक, क्या करेंगे? प्रतिशत मात्रा जो है उसमें परमाणु द्रव्यमान से भाग कर देंगे, तो या पहले इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4.07 ग्राम, ये हो जाएगा 24.27 ग्राम, ये हो जाएगा 71.65 ग्राम। ठीक, अब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो जब इसमें इसका डिवाइड करेंगे 4.07 डिवाइड बाई 1 तो क्या मिलेगा? 4। ठीक, फिर अगला है 24.27 डिवाइड बाई 12, तो इसका क्या आ जाएगा? 12 × 24 2, और 71.65 डिवाइड बाई 35.5, तो इसका भी क्या आ जाएगा? 2। मतलब एक पूरी संख्या के रूप में 2 आएगा, बाकी आगे पॉइंट में जाना पड़ेगा, तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है उसमें। तो ये हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे? ये जो मोलों की संख्या है इसमें सबसे छोटी जो संख्या है उसमें सभी से डिवाइड कर देंगे, सबसे छोटा 2 है, तो 4 डिवाइड बाई 2 तो इसका क्या आ गया? 2। 2 डिवाइड बाई 2 तो इसका आ गया 1। 2 डिवाइड बाई 2 तो क्या आ गया? 1। ये मिल गया मुझे। अब हम क्या निकाल लेंगे? जब मुझे इतना निकल गया तो हम मूलानुपाती सूत्र तो निकाल ही सकते हैं आराम से। मूलानुपाती सूत्र बराबर क्या हो जाएगा? मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा? H2Cl। ठीक, ये हो गया H2CCl। इसको इस तरह लिख देंगे CH2Cl। ठीक, क्या मिल गया मुझे? CH2Cl, ये मिल गया मूलानुपाती सूत्र। ठीक, मूलानुपाती सूत्र मिल गया CH2Cl। अब मुझे क्या निकालना है? आणविक सूत्र निकालना है। तो आणविक सूत्र बराबर क्या होता है? सबसे पहले तो मुझे n निकालना पड़ेगा। ठीक, तो n बराबर क्या होता है? n बराबर होता है आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान वही होता है। तो मोलर द्रव्यमान कितना मिला है? 98.96 बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान हम निकाल लेंगे तो कार्बन का 12 प्लस 1 हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। तो जब हम इसको सबको काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 2 = 4, 5 × 4 = 9, यह आ गया 49, इतना आ गया। ठीक, इतना ग्राम आ गया। अब n बराबर क्या होता है? आणविक द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कितना आ गया? 49.5 ग्राम आ गया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। n बराबर क्या मिल गया? n इक्वल 2 मिल गया। जब n इक्वल 2 मिल गया तो आणविक सूत्र निकाल ही सकते हैं। n बराबर 2 आ गया तो आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? आणविक सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती, मूलानुपाती सूत्र मल्टीप्लाई n। ठीक, तो n का मान मुझे मिल गया है, n 2 मिला है, तो मूलानुपाती सूत्र क्या है? CH2Cl इंटू, जब हम 2 का इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? C2H4Cl2। ये मिल गया आणविक सूत्र। ठीक, इस तरह से आणविक सूत्र अगर आए तो आप कर सकते हैं।
ये आण्विक सूत्र क्या होता है, किसी भी यौगिक का वास्तविक संख्या को किसी भी यौगिक में जो उस तत्व के, जो किसी भी यौगिक के प्रत्येक अणु में उस तत्व के परमाणु की वास्तविक संख्या को बताता है। और मूलानुपाती सूत्र है जो वो सरलतम पूरी संख्या बताता है। जैसे एक सरलतम पूरी संख्या और इसका वास्तविक संख्या ये है, अगर वास्तविक संख्या की बात की जाए तो वास्तविक संख्या और मूलानुपाती सूत्र दोनों एक होता है। तो वास्तविक सूत्र जैसे C2H4Cl2, इसका जब मूलानुपाती जब हम इसको सरल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, C अकेला आ जाएगा, ठीक, H2 हो जाएगा, जैसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 1, तो क्या हो गया C अकेला CH2Cl हो जाएगा CH2Cl। तो ये मूलानुपाती सूत्र से हम आण्विक सूत्र निकाल सकते हैं। जो मूलानुपाती सूत्र हैं वो किसी भी यौगिक के जो उसमें जो अणु पाए जाते हैं उनके परमाणुओं का सरलतम पूरी संख्या बताता है, जबकि आण्विक सूत्र जो है वो वास्तविक संख्या बताता है। आण्विक सूत्र क्या है, आण्विक सूत्र वास्तविक संख्या बताता है। अब आगे कुछ यौगिक हम लिख रहे हैं, उसको आपको छांटना है कौन मूलानुपाती सूत्र है और कौन आण्विक सूत्र है। क्वेश्चन थर्ड में है, मूलानुपाती सूत्र छांटिए। अब तो मुझे क्या करना है, कुछ यौगिक दे दिया है उसका मूलानुपाती सूत्र देखना है। तो मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं, आपको पता है कि जो किसी भी यौगिक का जो अणु है उसके परमाणु का जो सरलतम पूरी अंक होता है वो मूलानुपाती सूत्र होता है। तो आप देख ही रहे हैं ये सरलतम पूरी अंक नहीं दिख रहा है, जब हम इसको सरलतम पूरी अंक डिवाइड 3 का डिवाइड करेंगे तब वो सरलतम पूरी संख्या में बनेगा। तो मूलानुपाती सूत्र इसमें क्या है, CH2O हो जाएगा और ये CH2, ये दोनों क्या होंगे मूलानुपाती सूत्र। इसको तो हम सरल कर सकते हैं, इसको सरल कर सकते हैं क्या, इसको हम सरल नहीं कर सकते क्योंकि कार्बन अकेला है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी अकेला है। अगर यहीं पर 2, 2, 2 सब होता तो हम उसको सरल कर सकते थे, लेकिन हम इसको सरल नहीं कर सकते हैं। जब हम इसको सरल नहीं कर सकते हैं तो ये क्या होगा, मेरा मूलानुपाती सूत्र होगा, मूलानुपाती सूत्र। अब देखिए हम तो इसको सरल करके लिख सकते हैं, इसको सरल करके हम बना सकते हैं CH2O बना सकते हैं, 6 से डिवाइड कर देंगे तो 1 और ये 2 और 1, तो हम ये सरल कर दिए। तो जब ये सरल कर दिए तो सरल करने के बाद वो किस रूप में हो जाता है, वो मूलानुपाती सूत्र में हो जाता है। लेकिन इसमें बोला है कि आप मूलानुपाती सूत्र छांटिए, ये नहीं बोला कि आप मूलानुपाती सूत्र बनाइए, बोला है मूलानुपाती सूत्र छांटिए, तो ये मूलानुपाती सूत्र नहीं होगा और ये CH2 क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र। अब बोला है कि मूलानुपाती सूत्र, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है मूलानुपाती सूत्र बनाइए, मूलानुपाती सूत्र बनाइए। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताई थी अभी कि इसको मूलानुपाती सूत्र बनाना है तो इस तरह हम उसको सरल करेंगे, तो उसी तरह सेम आपको यहाँ पर दे दिया है मूलानुपाती सूत्र बनाइए। जैसे ये C6H12O6 है तो हम इसको सरल कर देंगे, तो इसको सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 से डिवाइड कर देंगे। सरल करना का मतलब कि उसको छोटी संख्या से आप पार्ट दो ताकि वो सरल हो जाए, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा CH2O, क्या हो जाएगा CH2O। जैसे C12 6, अगर मुझे इसको सरल करना है तो 1 6 6 6 2 12 6 1, ये हो गया तो 1 2 1 आ गया, मतलब कार्बन अकेला, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो ये क्या हो गया, इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया। अब आगे जैसे इसका है तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, फिर इसको हम ऐसे जैसे इसको किए 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा C1H2, तो C1 न लिख करके CH2, इसका क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो HgCl हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 1 1, तो क्या हो गया HgCl, ये हो गया मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र छांटना मतलब आप समझ जाइएगा कि मूलानुपाती सूत्र जब छांटने की बोलता है तो उसको सरलतम पूरी संख्या में दिया हुआ जो होगा वही मूलानुपाती सूत्र होगा, जो सरलतम पूरी संख्या में दिया होगा। जैसे ये देखिए सरलतम पूरी संख्या में दिया है, इसमें इसको आगे हम डिवाइड और सरल इसको नहीं बना सकते हैं, जब इसको और सरल नहीं बना सकते हैं तो क्या हो जाएगा, वो मूलानुपाती सूत्र होगा। जैसे ये दिया है तो ये सरलतम पूरी संख्या नहीं है, इसको हम सरल और कर सकते हैं, तो इसको हम सरल किस रूप में कर सकते हैं, 6
छः एकम, छः दुना बारह, छः एकम तो ये क्या है, मूलानुपाती सूत्र नहीं है। और ये देखिए ये CH2 ये अकेला है, इसको हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, और आगे सरल नहीं कर सकते हैं, तो ये हो गया मूलानुपाती सूत्र। और ये देखिए इसको भी हम सरल कर सकते हैं, इसको सरल करके हम इसको मूलानुपाती सूत्र के बना के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, CH2O, क्या लिख देंगे, CH2O। तो ये सरल हो गया, ये सरल हो गया, मतलब ये मूलानुपाती सूत्र नहीं है। ठीक, अब आगे बताना है मूलानुपाती सूत्र बनाइए, जैसे मैं यहाँ पे अभी बना के बताई हूँ उसी तरह यहाँ पे बनाना है आपको, C6H12O6, तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, CH2O, और इसका हो जाएगा CH2, इसका हो जाएगा HGCl।